हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे डिवाइन डायनामाइट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर्स वन ऑफ द मून यूरोपा के बारे में, जहां हाल ही में नासा के टेलीस्कोप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एविडेंस आइडेंटिफाई हुआ है। जुपिटर्स मून यूरोपा इज अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड विद अ सॉल्टी सबसरफेस ओशन। साइंटिस्ट्स हैव लॉन्ग आर्ग्यूड दैट इट कुड पॉसिबली हैव अ लाइफ एंड नाउ नासा हैज फाउंड प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो दोस्तों, यूरोपा को जानने से पहले हमें जुपिटर के बारे में भी जानना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1800 के दशक में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेडरिक विलियम हर्शल ने गलती से अपने लैब में इंफ्रारेड लाइट की डिस्कवरी कर ली थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब एक तरह की इनविजिबल लाइट है जिसे इंसान अपने आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन कुछ खास उपकरण माध्यम से जरूर देख सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, अगर इंफ्रारेड को हम सिंपली समझे तो इंफ्रा ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलो। तो इंफ्रारेड का मतलब बिलो रेड, मतलब रेड के नीचे का फ्रीक्वेंसी। अगर आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो भी चीज हीट रेडिएट करती है वहाँ से इंफ्रारेड निकलती है, जैसे कि इंसान से, जानवर से, सूर्य से, आग से। तो सोल्जर भी नाइट विजन गॉगल्स यूज करते हैं जिसमें इंफ्रारेड लाइट के थ्रू कुछ ऐसा व्यू दिखता है। सो दोस्तों, ये इनोवेशन के कुछ साल के बाद साल 1830 दशक में स्टार्ट हुआ इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, और उसके बाद 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने मार्च 1991 में खींचा जुपिटर का पहली इमेज। इसके बाद दुनिया भर में स्टार्ट हो गया जुपिटर के बारे में और भी डीपली जानने का एक नई दौर। इसके बाद और भी कई सारे टेलीस्कोप बनता गया जो डीपली स्टडी करने लगा इंफ्रारेड के बारे में, जिसके थ्रू हमने पूरे यूनिवर्स और जुपिटर को इंफ्रारेड नजरियों से देखना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है जुपिटर के बारे में ये नई इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या डिस्कवरी करने को मिला? अगर आपको नहीं पता तो चलिए शुरू करते हैं उस डिस्कवरी के बारे में। वॉयजर 1। जनवरी 1979 में वॉयजर 1 के द्वारा खींचा गया इस इमेज को देखिए, जिसमें आपको जुपिटर में तेज हवा का एक स्ट्रक्चर का अंदाजा लग जाएगा। लेकिन एक ग्रह अपने सामान्य रूप के अलावा और भी कई सारे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट वेव भी रिलीज करता है। अगर हम इसे वेवलेंथ के स्केल के थ्रू देखें तो प्लैनेट के द्वारा रिलीज किया जा रही ये रेंज अलग अलग स्पेक्ट्रम पर हमें किसी भी ग्रह या किसी भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के बारे में छोटे ही छोटे डिटेल्स भी बता देती है। तो यही रीजन है कि कोई भी प्लैनेट कितना भी दूर का हो, उसकी इमेज क्लिक करके इंफ्रारेड के थ्रू हम एनालाइज कर लेते हैं कि उस ग्रह में क्या क्या चीज है और किस अवस्था में है। अगर आप ये जुपिटर का नॉर्मल पिक्चर को देखें तो जिसमें EMS यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फिल्टर नहीं लगाया गया, लेकिन अगर साइंटिस्ट जब इस इमेज को देखते हैं तो उनको लिमिटेड चीज ही जानने को मिलता है, जैसे कि जुपिटर के अंदर अमोनिया के क्लाउड्स है, और ये पता चलता है कि जुपिटर के अंदर आए दिन कई सारे तूफान भी आता रहता है, और ये तूफान इतना भयानक है कि अगर एक इंसान इस तूफान के अंदर फंस जाए तो एक सेकंड से भी कम वक्त में उस इंसान का चितड़े उड़ जाएंगे। वैसे कि अगर आप इस इमेज को 4.68 माइक्रो बैंड से देखे तो ये आपको शो कर रहा है कि जो डार्क कलर के एरिया से वो जगह काफी ज्यादा टेम्परेचर और हीट है, और जैसे जैसे डार्कनेस कम होती जाती है वैसे वैसे हीट और टेम्परेचर भी कम होती जाती है। 5 अगस्त 2011 को एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया गया है जिसने जुपिटर के चारों ओर ऑर्बिट करता रहता है, और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है जूनो। इस स्पेसक्राफ्ट सिर्फ जुपिटर ही नहीं, उसके अलावा उसका अलग अलग मून का स्पेक्ट्रम और माइक्रोबैंड से काफी सारे इमेज भेज चुका है, जिसमें कॉस्मिक बॉडी और केमिकल रीजन से लेकर एटमॉस्फेयर के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। और इस माइक्रोबैंड से ये स्टडी किया गया है कि जुपिटर में कई सारे मून के एटमॉस्फेयर की सतह अलग अलग है, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर्स वन ऑफ द मून यूरोपा। तो दोस्तों, यूरोपा के ऊपरी सतह आइस के हैं और इसके नीचे वाटर भी मौजूद है, लेकिन कितने मात्रा में है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम वाटर का रिलीज किया गया रेंज को पता करें। लेकिन साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया है कि वहाँ 1.5 माइक्रोबैंड पर पानी का स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करना आइडियल होता है। अगर आप यूरोपा के इस इमेज को देखें तो हमें पता चलता है यहाँ पानी का कोई भी फॉर्म सबसे शुद्ध मात्रा में, पर वहीं जब हमें इस एरिया के कलर पर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है वो शो करता है कि वहाँ पानी के साथ साथ कुछ अलग मिनरल
वी है, इसे साइंस के लैंग्वेज में स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और दोस्तों यूरोपा में वाटर अर्थ के वाटर से 2 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों अगर जब हम इंफ्रारेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बात सही है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड लेंस के सही उपयोग करते हुए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन भेजा है जो साइंटिस्टों को हैरान कर दिया है। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये इन्फॉर्मेशन भेजा है कि यूरोपा में कई मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एविडेंस मिला है। और हमें पता है कि कार्बन एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट है लाइफ के लिए। यानी कि क्या यूरोपा में दूसरे ग्रह के लोग हैं, यानी कि एलियन है? ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। और साइंटिस्टों ने अब ये भी दावा किए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूरोपा के ओशियन सरफेस के नीचे उत्पन्न हुआ है, ना कि कोई मेट्राइट्स यानी कि पोलका पिंड के द्वारा हुआ। नासा ने दावा किया है कि यूरोपा के एक एरिया है जिसे टेरा रेजियो कहते हैं, वहाँ प्रचुर मात्रा में कार्बन मिलता है। और नासा ने ये भी तय किया है कि आने वाले दिनों में एक सेलफोन जैसा कुछ रोबोटिक मिशन भेजेगा जो कि यूरोपा के बर्फीले सतह के नीचे जाके लाइफ के बारे में ढूंढेगा, यानी कि एलियन लाइफ। हालांकि ये मिशन के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन नासा ने 2024 में क्लीपर मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जो कि 2030 में यूरोपा में पहुंचेगा और वहां और भी कई सारे कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा कलेक्ट करेगा। और ये भी हो सकता है कि वो डेटा कुछ ले आए। तो दोस्तों ये था यूरोपा का कुछ नया इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।